ये हो जाएगा डी नहीं हो, सॉरी डी नहीं होगा इसमें आपका, करेक्ट आंसर इसमें आपका बी होगा। कर्मचारी आत्मनिर्देशन व आत्मनियंत्रण का प्रयोग करते हैं इसमें, ठीक है, ये इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या होगा, बी होगा इसमें आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, इस पे अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सिंपल सा देखिए, मैं आपको शुरुआत में बता देता हूं निर्देशन क्या होता है। निर्देशन क्या होता है, कर्मचारी जो होते हैं, ठीक है, ये अपने अधीनस्थों के माध्यम से काम को क्या करते हैं, मार्गदर्शन प्रदान करते हैं या उन्हें नेतृत्व प्रदान करते हैं, यही क्या कहलाएगा आपका, निर्देशन कहलाएगा, ठीक है। ये प्रबंध का क्या होता है, प्राथमिक गुण होता है या प्राथमिक कार्य होता है। जिस तरीके से नियोजन क्या होता है, प्रबंध का प्राथमिक कार्य होता है, इसी तरीके से निर्देशन भी आपका प्रबंध का प्राथमिक कार्य होता है, ठीक है। आगे और बताते चलेंगे हम लोग। मास्लो के अनुसार प्रेरणा के पदानुक्रम सिद्धांत में कितने स्तर है, प्रेरणा के पदानुक्रम सिद्धांत में कितने स्तर है बताएं, 2, 5, 4 या 3, तो कितने स्तर है जल्दी से बताएं इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका इसमें। मास्लो के अनुसार प्रेरणा के पदानुक्रम सिद्धांत में कितने स्तर होते हैं, तो प्रेरणा के पदानुक्रम सिद्धांत में जो स्तर हैं, कितने चरण हैं, तो ये 4 चरण हैं इसमें, ध्यान रखिएगा। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना, ये सी लिखा है, ये बी है, ठीक है, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें आपका सी, कितने चरण है इसमें आपका, 4 चरण है, ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छा। स्टेटस आप लोगों ने नहीं लगाया क्या आज इसमें क्लास को, सभी लोग स्टेटस लगा लीजिए प्लीज जल्दी से, संख्या काफी अच्छी होनी चाहिए इसमें, एटलीस्ट 50 तो कर लो, 50 संख्या तो होनी चाहिए क्लास में कम से कम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सिद्धांत वाई वर्णित करता है, कर्मचारी निर्देशित होना चाहते हैं, कर्मचारी के कार्य के प्रति स्वाभाविक इच्छा होती है, कर्मचारी आत्मनिर्देशन और आत्मनियंत्रण को प्रस्तुत करते हैं या उपरोक्त सभी, तो सिद्धांत एक्स क्या वर्णित करता है जल्दी से बताएं इसका सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा। आज स्टेटस दीप्ति ने लगा लिया स्टेटस, बाकी लोग भी लगा ले जल्दी से, रिंकू, हाँ अभी रिंकू ने भी लगा दिया स्टेटस, सभी लोग मिलकर सपोर्ट करें क्लास को तो ज्यादा अच्छा लगेगा फिर, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर आएगा 54 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें सही आंसर होगा आपका कर्मचारी निर्देशित होना चाहते हैं, ये करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, ए ऑप्शन ही इसका सही आंसर होगा आपका, ठीक है। तो डी नहीं होगा, डी में कंफ्यूज मत हो जाना, इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए, निर्देशित होना हर कोई चाहता है। निर्देशन और नियंत्रण में बहुत अंतर होता है, महाकाल ने भी लगा दिया है, 5 प्रिंसिपल है मैस्लो के, बिल्कुल ठीक है, थैंक यू सो मच सोनाली, थैंक यू। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी व्यक्ति की जो वह है उससे अधिक बनने की इच्छा या ऐसा बनने की इच्छा जैसा वह हो सकता है, मैस्लो के अवप्रेरणा के सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सी आवश्यकता के अंतर्गत आती है, शारीरिक, अहम, सामाजिक या आत्मपूर्ति, तो किसके अंतर्गत आती है पतंजलि से, सही आंसर क्या होगा आपका, करेक्ट आंसर सही आंसर क्या हो जाएगा इसमें आपका, फटाफट पतंजलि से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका 55 का करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ये कहलाएगा आपका सामाजिक, किसके अंतर्गत आएगा आपका ये, करेक्ट आंसर सामाजिक हो जाएगा आपका, ठीक है। मैस्लो के प्रेरणा सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सी आवश्यकता है आपका, ये सामाजिक हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका सी होगा इसमें। चलो वाल कृष्ण गुड इवनिंग, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आवश्यकताओं को श्रेणीबद्ध क्रम में वर्गीकृत करता है जो अभिप्रेरणा का सिद्धांत है, ये किसके कथन अनुसार है बताएं, मास्लो, ड्रकर, कुंज या मैग्लीलैंड। तो मास्लो इसमें अभिप्रेरणा चैप्टर में मास्लो काफी इंपोर्टेंट यहाँ पे रोल अदा करेंगे, तो आप लोग को मास्लो के परिभाषा वगैरह सब आपको अच्छे से ध्यान रखना है ना। तो इसका सभी लोग बताएं जल्दी से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ये, तो 56 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें, खैर मास्लो इसमें आंसर नहीं होंगे, मैं बता रहा हूँ इसमें, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ये ड्रकर ने, पीटर ड्रकर ने कहा हुआ है, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन ही करेक्ट आंसर होगा, वेरी गुड, बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेतृत्व के संबंध में, अब और सिंपल मिलेंगे क्वेश्चन आपको और आपको इजी पड़ जाएगा। नेतृत्व एक गतिशील प्रक्रिया है ना, नेतृत्व एक क्रियाशील संबंध है, नेतृत्व एक यथार्थवादी दृष्टिकोण है, ये उपरोक्त सभी। अब आपको ऑप्शन और भी सिंपल मिलेंगे, मोहन रावत स्वागत है आपको, थैंक यू सो मच मोहन, हाँ सभी लोग बताएं जल्दी से करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, नेतृत्व के संबंध में क्या सत्य है, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका इसमें, ठीक है। तो नेतृत्व के संबंध में क्या सही है, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें आपका, इसमें
बिल्कुल सही है आप लोग का, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। सभी कथन इसमें सही हो जाएंगे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा इसमें आपका, ठीक है। डी ऑप्शन ही इसमें सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अभी 5 लोगों ने स्टेटस लगाया हुआ है केवल, सब लोगों ने स्टेटस नहीं लगाया हुआ है। आज आप लोग ढीला दिखा रहे हो उसमें, ठीक है, आलसी बन जा रहे हो आज आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेतृत्व की सफलता किसका परिणाम है? नेता के गुणों का, अनुयायियों के गुणों का, नेता की शक्ति का, परिस्थिति का? तो नेतृत्व की सफलता किसका परिणाम है? सही आंसर बताएं, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ठीक है। देखिए, जब मैं डेली क्लास ले रहा हूँ, फुल यहाँ पे सक्रिय होके एक्टिव होके, तो आप लोग भी उतना एक्टिव रहिए और थोड़ा सा सपोर्ट करें क्लास को फटाफट, ठीक है। तो इसका सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें आपका ए हो जाएगा, नेता के गुणों का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। ए ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। नेतृत्व की सफलता किसका परिणाम है? ये नेता के गुणों का। एक संस्था में सामान्य परिस्थितियों में नेतृत्व प्रदान किया जाता है, श्रमिकों द्वारा, अधिकारियों द्वारा, श्रम समूह द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो एक संस्था में सामान्य परिस्थितियों में नेतृत्व किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, बताएं जल्दी से, ठीक है। मैं बुलाता हूँ पब्लिक अभी 5 मिनट में, क्या बात है, थैंक यू सो मच रिंकू, ठीक है। बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा इसमें आपका? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सामान्य परिस्थितियों में नेतृत्व जो प्रदान करते हैं, ये कौन करते हैं? ये करते हैं अधिकारियों द्वारा। करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। आपको ये भी ध्यान रखना है, नेतृत्व में हमेशा जो रहता है आदेश की एकता का पालन किया जाता है। सर्वोच्च परिस्थिति क्या होनी चाहिए? आदेश की एकता। आदेश की एकता मतलब वहां पे जो निर्देश दिए जाते हैं, जो ऑर्डर दिए जाते हैं, कौन देगा? एक अधिकारी ही देगा इसमें, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है इसमें, हो सकता है आगे क्वेश्चन आ जाए आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समूह के प्रतिनिधि के रूप में निम्न कौन उच्च स्तरीय बैठक में भाग लेता है? तो उच्च स्तरीय बैठक में कौन भाग लेता है, बताएं इसमें? नेता, अनुयायी, कर्मचारी, या संचालक मंडल? तो समूह के प्रतिनिधि के रूप में निम्न में से कौन उच्च स्तरीय बैठक में भाग लेता है? इसका सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट बताएं जल्दी से, सही आंसर क्या होगा इसमें आपका, ठीक है। तो यशस्वी, गुड इवनिंग, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें आपका? सभी लोग बताएं जल्दी से, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा, ये उच्च स्तरीय बैठक में जो भाग लेगा, कौन लेगा? नेता ही लेगा, है ना, ये लीडर लेगा। और नेता ये पार्टी वाला नेता नहीं है, है ना, ये व्यवसाय वाला जो नेता है, कंपनी वाला नेता, लीडर जो कहलाता है वो होगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्देशन की, अगला क्वेश्चन है, निर्देशन की आवश्यकता प्रबंध के किस स्तर पे होती है? निर्देशन की आवश्यकता प्रबंध के किस स्तर पे होती है? उच्च स्तर पे, मध्य स्तर पे, निम्न स्तर पे, या सभी स्तर पे? तो निर्देशन की आवश्यकता प्रबंध के किस स्तर पे होती है, फटाफट बताएं जल्दी से, सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? निर्देशन की आवश्यकता प्रबंध के किस स्तर पे होती है, इसका सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, निर्देशन की जो आवश्यकता होती है कहाँ पे होती है? तो इसका सभी स्तर पे होगी, है ना। डायरेक्शन जो चाहिए ये सभी स्तर पे, चाहे उच्च स्तर हो, मध्य स्तर हो, निम्न स्तर हो, सभी में चाहिए। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है आप लोगों का, करेक्ट आंसर डी होगा इसमें, ठीक है। वेरी गुड, बहुत शानदार, ऑल लेवल गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्देशन का कार्य जो किया जाता है, यह नियोजन के बाद, नियोजन संगठन के बाद, नियोजन संगठन नियुक्तिकरण के बाद, या उपरोक्त में से कोई नहीं है। तो निर्देशन का कार्य कब किया जाता है, ये बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? निर्देशन का काम कब होता है, बताएं जल्दी से। अब आप लोगों को टॉपिक थोड़ा सा इजी लग रहा होगा, है ना, ये वाला आज का। तो निर्देशन का जो कार्य किया जाता है, ये नियोजन संगठन और नियुक्तिकरण के बाद किया जाता है। तो सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। पहले ये नियुक्ति हो जाएगा, संगठन बन जाएंगे, अपॉइंटमेंट हो जाएगा, तो उन्हीं को तो निर्देश देना है ना। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा इसमें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, पर्यवेक्षक प्रबंध की, यहाँ पे आते हैं, पर्यवेक्षक प्रबंध की क्रम श्रृंखला में किस स्तर पे कार्य करते हैं, बताएं? उच्च स्तर पे, मध्यम स्तर पे, क्रियात्मक स्तर पे, या सहायक स्तर पे? तो पर्यवेक्षक जो होते हैं, काम की जो निगरानी करते हैं, वो किस स्तर पे आएंगे, बताएं? तो ध्यान रखिएगा, पर्यवेक्षक जो काम की निगरानी रखेंगे वो किसके अंतर्गत आएंगे? क्रियात्मक में, है ना। तो क्रियात्मक स्तर हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा आपका सी। सी ऑप्शन ही इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, गुड। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट आंसर होगा आपका इसमें। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, निर्देशन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, बताएं? आदेश निर्देश देना, आदेश निर्देश देना, और बात दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो
तो निर्देशन का या निर्देश निर्देशन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, फटाफट बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका। तो ध्यान रखिएगा, निर्देशन का मतलब क्या होता है, आदेश या निर्देश देना। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, अच्छा इसमें दो ऑप्शन सेम हो गए हैं, आदेश निर्देश देना, आदेश वही हो जाएगा। तो इसमें ये ऑप्शन थोड़ा गलती हुआ है इसमें, ठीक है, तो सभी ऑप्शन सेम कर दिया है इसने, वही होगा, ए हो जाएगा इसमें, आदेश निर्देश देना। इसको ध्यान रखिएगा आप लोग सबका, जो ए भी कर रहे हैं, बी भी कर रहे हैं, सी कर रहे हैं, सबका सही है, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्रबंध में निर्देशन से क्या आशा है, प्रबंध में निर्देशन से क्या आशा है बताएं। अधीनस्थों को आदेश या निर्देश देना, अधीनस्थों का पथ प्रदर्शन करना, अधीनस्थों को व्यवसायिक क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए दिशा निर्देश देना, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्रबंध में निर्देशन से क्या आशा है, फटाफट बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा। प्रबंध में निर्देशन से क्या आशा है, सही आंसर क्या होगा, सभी लोग बताएं करेक्ट आंसर क्या होगा। ये अच्छा क्वेश्चन है, अधीनस्थों को व्यवसायिक क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए दिशा निर्देश देना, यही क्या कहलाएगा, निर्देशन कहलाएगा, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगर आप निर्देशन का मतलब समझ जाओगे तो आप ये परिभाषा आप आराम से बता दोगे, ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। इसमें काफी कम संख्या दिख रही है इसमें आज, इसमें मैनेजमेंट में, मैनेजमेंट बोर हो गए क्या आप लोग, सब्जेक्ट चेंज कर दें इसको, एमपीजी के ला दें इसमें, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, निर्देशन समन्वय है नेतृत्व का, अभिप्रेरणा का, सीमित या ये सभी। निर्देशन किसका समन्वय है, जल्दी से बताएं इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका। निर्देशन किसका समन्वय है बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका। तो निर्देशन जो समन्वय है मैंने आपको पहले ही बता दिया था, इसी के अंदर नेतृत्व आएगा, इसी के अंदर प्रेरणा आएगा, लिमिट। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, डी ऑप्शन ही इसमें सही आंसर हो जाएगा, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ठीक है, आज की क्लास में, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्देशन में प्रबंधकों द्वारा तैयार वातावरण में कर्मचारी स्वेच्छापूर्ण पूर्ण उत्साह से कार्य करता है, कर्मचारी अनिच्छा से काम करता है, कर्मचारी दबाव में काम करेगा, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका बताएं क्या होना चाहिए सही आंसर आपका, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ये, क्योंकि निर्देशन में मार्गदर्शन दिया जाता है उसको, हाँ, तो इसमें सही दिशा बताई जाती है, तो इसमें स्वेच्छापूर्ण जो है कर्मचारी पूर्ण उत्साह के साथ काम करेगा, तो करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, क्योंकि हर कोई जानना चाहता है कि उनसे कोई गलती ना हो, ठीक है, हम बेहतर से बेहतर यहाँ पे काम कर पाए, उसके लिए निर्देशन जरूरी होता है, ए ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्देशन क्रियाएं लाभकारी होती हैं, निर्देशन क्रियाएं लाभकारी होती हैं किसमें, अल्पकाल हेतु, दीर्घकाल हेतु, और बाद दोनों के लिए, या भूतकाल हेतु। तो निर्देशन क्रियाएं लाभकारी होती हैं किसमें, लाभकारी होती हैं, जल्दी से बताएं करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका। हाँ, अब संख्या बढ़ी है धीरे धीरे करके। तो यहाँ पे निर्देशन क्रियाएं जो लाभकारी होती हैं अल्प किसमें होती हैं, तो ध्यान रखिएगा ये जो लाभकारी होती हैं दोनों के लिए, अल्पकाल के लिए भी और दीर्घकाल के लिए भी, काम कोई भी हो उसके लिए निर्देशन जरूरी होता है, चाहे कुछ समय के लिए हो या दीर्घकाल के लिए हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्देशन क्रिया में प्रबंधकों के द्वारा किन किन अन्य प्रबंधकीय उपकरणों की सहायता ली जाती है, पर्यवेक्षण की, निरीक्षण की, अभिप्रेरणा की, ये सभी की। अब ये गलत नहीं होना चाहिए, किसी का भी ये गलत नहीं होना चाहिए क्वेश्चन, बताने जैसे करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, क्योंकि मैं बता चुका हूं पहले ही। इसी के अंतर्गत क्या आता है, पर्यवेक्षण, ये तत्व तो है पूरे, ये तत्व किसके हैं, निर्देशन के तत्व के अंतर्गत पर्यवेक्षण, निरीक्षण, अभिप्रेरणा, ये सभी आ जाएगा, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, डी ऑप्शन ही इसमें सही आंसर होगा इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्देशन में प्रबंधकों द्वारा किन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु कार्य किया जाता है, संस्था के उद्देश्य, व्यक्तिगत उद्देश्य, सामूहिक उद्देश्य, ये सभी। निर्देशन में प्रबंधकों द्वारा किन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु कार्य किया जाता है, इसका सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे प्रबंधकों द्वारा सभी के उद्देश्यों में सामंजस्य बनाते हुए काम किया जाता है, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा, चाहे कर्मचारी हो, चाहे समाज हो, या फिर आपका व्यक्तिगत हो, या संस्था के उद्देश्यों, सब में समन्वय स्थापित करके वहां पे कार्य किया जाता है, तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्देशन की महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या होंगी, यह प्रबंध का महत्वपूर्ण कार्य है, यह एक सतत प्रक्रिया है, यह और वह दोनों हो जाएगा, यह इनमें से कोई नहीं। तो मैंने पहले बताया क्या है, ये एक सतत प्रक्रिया भी है और प्रबंध का महत्वपूर्ण काम भी है ना। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो गया शिवानी, कुछ दिक्कत परेशानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, निर्देशन के समन्वयकारी कार्य में शामिल होता है मार्गदर्शन, प्रेरणा, निर्देशन, या ये सभी। तो निर्देशन के समन्वयकारी कार्य में कौन शामिल होते हैं, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, सभी लोग बताएं करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका। निर्देशन के समन्वयकारी कार्य में कौन शामिल होता है,
इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें आपका बी, 12 नंबर का करेक्ट आंसर होगा डी हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना? समन्वय में सभी आ जाएंगे, बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। थैंक यू विरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निर्देशन को संयोजनकारी कार्य किसने कहा है? निर्देशन को संयोजनकारी कार्य किसने कहा है? हेमेन ने, डिमोक ने, ओर्विक ने या ओडोनेल ने? तो संयोजनकारी कार्य किसने कहा है निर्देशन को, जल्दी से बता दें आप लोग करेक्ट आंसर क्या होगा आपका। तो ध्यान रखिएगा, निर्देशन को संयोजनकारी कार्य जो कहा है ये हेमेन ने कहा है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर आपका ये हो जाएगा, ए ऑप्शन ही इसमें सही आंसर होगा। वेरी गुड, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट आंसर होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्देशन के तहत किन प्रबंधकीय कार्यों में समन्वय स्थापित किया जाता है? नेतृत्व में, अवप्रेरणा में, ये हो गया ना, ये हो गया, इसको नहीं करेंगे अपन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निर्देशन किया जाता है, हाँ बताएं जल्दी से करेक्ट आंसर क्या होगा आपका। निर्देशन किसमें किया जाता है? इसमें एक ऑप्शन चेंज है, बाकी सभी है इसमें। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? निर्देशन किया जाता है उच्च स्तर पे या मध्यवर्ती प्रबंधकों के द्वारा, पर्यवेक्षी प्रबंधकों के द्वारा या सभी द्वारा? तो ये जो किया जाता है किस पे किया जाता है, ये सभी में किया जाएगा। करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा, बिल्कुल सही है, हर लेवल पे किया जाएगा, हर स्तर पे किया जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी इसमें। ठीक है, बहुत ज्यादा स्पीड तो नहीं है क्लास की, क्लास की ज्यादा स्पीड में तो नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निर्देशन का प्रयोग किस प्रकार की संस्था द्वारा किया जाता है बताएं? केवल व्यावसायिक संस्थाओं द्वारा, केवल सामाजिक संस्थाओं द्वारा, केवल राजनीतिक संस्थाओं द्वारा या उपरोक्त सभी? निर्देशन का प्रयोग किस प्रकार की संस्थाओं द्वारा किया जाता है, इसका बताएं आंसर क्या हो जाएगा आपका। निर्देशन का प्रयोग किन संस्थाओं द्वारा किया जाता है बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका। ठीक है, सभी लोग बताएं जल्दी से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका। तो ध्यान रखिएगा, निर्देशन का प्रयोग किन संस्थाओं द्वारा किया जाता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये सभी संस्थाओं में आ जाएगा। करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्या हो गया, एक सेकंड हो जाएगा, कुछ दिक्कत हुआ क्या? ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्देशन का उद्देश्य क्या है बताएं? संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति करना, कर्मचारियों के व्यक्तिगत सामूहिक उद्देश्यों की पूर्ति करना, या आ और वा दोनों, या उपरोक्त में से कोई नहीं? अब बढ़ने लगी संख्या, बिल्कुल बताएं जल्दी से। हाँ, धीरे धीरे बढ़ रही संख्या। अब निर्देशन का उद्देश्य क्या है बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें आपका। तो ध्यान रखिएगा, निर्देशन का उद्देश्य दोनों में सामूहिक उद्देश्यों की पूर्ति करना हो जाएगा। मैंने पहले बताया था इनमें सामंजस्य स्थापित करके यहाँ पे उद्देश्यों की पूर्ति करने का प्रयास किया जाता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट, निर्देशन के उद्देश्य होते हैं, एक उद्देश्य होता है, दोहरा उद्देश्य होता है, कई उद्देश्य होते हैं, या इनमें से कोई नहीं? तो निर्देशन के कितने उद्देश्य होते हैं बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका। निर्देशन के कितने उद्देश्य होते हैं, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका। तो ध्यान रखिएगा, निर्देशन के उद्देश्य जो है इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कई उद्देश्य। ठीक है, बताएं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका। तो निर्देशन के एक उद्देश्य होता है, दोहरे उद्देश्य होते हैं, कई उद्देश्य होते हैं, इनमें से कोई नहीं? तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, इसमें दोहरे उद्देश्य होते हैं, व्यक्तिगत भी होता है और आपका सामाजिक भी होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, सी नहीं होगा, बी होगा इसमें। ठीक है, बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निर्देशन में आदेश, कर्मचारियों को आदेश और निर्देश में प्रदान किया जाता है, नेतृत्व, अवप्रेरणा और वा दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो किसमें प्रदान किया जाता है बताएं जल्दी से, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका। तो इसका वही सिंपल ऑप्शन हो जाएगा ये, अवप्रेरणा, नेतृत्व दोनों प्रदान किया जाता है इसमें कर्मचारियों को। तो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर, मोटिवेशन भी दिया जाता है और इसमें लीडरशिप भी प्रदान की जाती है, तो करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा इसमें। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्देशन किया जाता है, किसका किया जाता है? अधिक संसाधनों का, कृत्रिम संसाधनों का, मानवीय संसाधनों का, या इनमें से कोई नहीं? तो निर्देशन डायरेक्शन किसका किया जाता है जल्दी से बताएं, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका। सभी लोग बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका। ठीक है, तो निर्देशन किसका किया जाता है, सभी लोग बताएं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका। निर्देशन जो किया जाता है ये किया जाता है आपका, करेक्ट आंसर मानवीय संसाधनों का किया जाता है इसमें। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही है आप लोग का, करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, सी ऑप्शन ही इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निर्देशन निर्माण करता है, किसका निर्माण करता है? संस्था के कार्य वातावरण का, संस्था में वित्तीय संसाधनों का, संस्था में भौतिक साधनों का, या सभी का?
निर्देशन किसका निर्माण करता है बताने लिए से, सही आंसर क्या होगा आपका ये, निर्देशन किसका निर्माण करता है, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, तो निर्देशन जो निर्माण करता है ध्यान रखिएगा, बाकी से इसका कोई संबंध नहीं है, ये करता है संस्था में कार्य वातावरण का निर्माण करता है, बाकी वित्तीय संसाधन इसका लाना काम नहीं है, भौतिक संसाधन कभी इसका काम नहीं है, इसका मेन काम क्या है, कार्य वातावरण में कार्य करना, तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, ए ऑप्शन ही इसमें सही आंसर होगा ये। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, निर्देशन का अर्थ क्या होता है बताएं, निष्क्रिय प्रबंध, सक्रिय प्रबंध, दिखावटी प्रबंध, या इनमें से कोई नहीं, तो निर्देशन का अर्थ क्या होता है जल्दी से बताएं, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, निर्देशन का अर्थ क्या होता है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें आपका, सभी लोग बताएं जल्दी से। तो निर्देशन का जो अर्थ होता है ध्यान रखिएगा, ये कह रहा था आपका सक्रिय प्रबंध होता है, करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, बी ऑप्शन ही इसमें सही आंसर होगा आपका, गुड। निर्देशन प्रक्रिया संपूर्ण उपक्रम में लागू रहती है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, समतल, या ये सभी, निर्देशन प्रक्रिया संपूर्ण उपक्रम में लागू रहती है, इसका करेक्ट आंसर, सही आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, निर्देशन प्रक्रिया संपूर्ण उपक्रम में लागू रहती है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका। ठीक है, तो इसका सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये जो होती है संपूर्ण में हो जाती है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऊपर से नीचे लागू होती है ना, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, ए ऑप्शन ही करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें आपका, है ना, डी नहीं आएगा इसमें, ए आ जाएगा, है ना, ऊपर से नीचे लागू होती है निर्देशन की प्रक्रिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल सही है दिव्या, सभी का सही है, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। निर्देशन के उपयुक्त नेतृत्व शैली का सिद्धांत क्या कहलाता है, निर्देशन की उपयुक्त नेतृत्व शैली का सिद्धांत क्या कहलाता है, उपयुक्त नेतृत्व शैली का प्रयोजन प्रबंधकों को करना चाहिए, नेतृत्व की भिन्न शैलियों को परिस्थितियों के अनुसार अपनाना चाहिए, आ और बा दोनों, या उपरोक्त में से कोई नहीं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सभी लोग बताएं जल्दी से, सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें आपका, 24 का करेक्ट आंसर क्या होगा, फटाफट बताएं जल्दी से, सही आंसर क्या हो जाएगा आपका। ठीक है, तो इसका सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा, 24 का सही आंसर हो जाएगा इसमें आपका सी हो जाएगा, आ और बा दोनों हो जाएंगे इसमें, करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, है ना, तो करेक्ट आंसर आपका बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन ही इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेतृत्व के प्रमुख घटक के तत्व कौन से हैं, आदेश, नेतृत्व, संचार, या सभी, अब ये गलत किसी के नहीं होना चाहिए, है ना, अलग अलग तरीके से क्वेश्चन आ रहा है, लेकिन चौथी बार ही क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछा गया है, लेकिन ये चौथी बार क्वेश्चन आ रहा है, पतंजलि से, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर सभी इसके तत्व हैं, घटक है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं इसके बारे में, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, डी ऑप्शन ही इसमें सही आंसर होगा आपका। नेक्स्ट, डॉट जो है निर्देशन का उपकार है, क्या इसका उपकार है बताएं, पर्यवेक्षण, नियोजन, अभिप्रेरणा, या भर्ती, उपकार क्या है इसका बताएं, इसे निर्देशन का उपकार क्या होगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो उपकार क्या है आपका, निर्देशन का क्या है, मोटिवेट करना, यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, निर्देशन का उपकार क्या होगा आपका, मोटिवेट करना यानी अभिप्रेरणा, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें आपका सी, गुड, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपका, निर्देशन में प्रबंधकों द्वारा अभिप्रेरणा सदैव होता है, वित्तीय, अवित्तीय, सकारात्मक, या ये सभी, तो अभिप्रेरणा कैसे हो सकता है, मोटिवेशन आप कैसे दे सकते हो उसको बताएं, पैसे दे के या फिर समझा के, मोटिवेट करके, कैसे दे सकते हैं बताएं जल्दी से, सही आंसर क्या होगा आपका, तो सभी रास्ते कर सकते हैं, जैसा वो कर्मचारी करना चाहे, पैसे से खुश होता है कर्मचारी तो कुछ उसको बोनस दे दो, ठीक है, या उसको केवल बात से समझाया जा सकता है, तो उसके लिए वो भी तरीका है, तो सभी आ जाएंगे, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्देशन के तत्व को विभक्त किया जा सकता है कितने भागों में, दो भागों में, तीन भागों में, चार भागों में, इनमें से कोई नहीं, तो निर्देशन के तत्व को कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, तो ध्यान रखिएगा, निर्देशन के तत्वों को चार भागों में विभक्त किया जा सकता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। ध्यान रखिएगा 10:15 बजे डेली मैनेजमेंट की क्लास होती है, तो जो लोग इच्छुक हैं टॉपिक वाइज पढ़ने के लिए मैनेजमेंट, तो डेली आप लोग 10:15 बजे बिना बोले आप लोग आदर्श आईएएस एकेडमी के चैनल पे आ जाया करें, डेली क्लास चलती है टॉपिक वाइज इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्देशन का अभिन्न अंग है, निर्देशन का अभिन्न अंग क्या है, पर्यवेक्षण, संगठन, नियोजन, या परिवर्तन, तो निर्देशन का अभिन्न अंग कौन सा होता है, फटाफट बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, निर्देशन के अंतर्गत ही क्या आता है, तो निर्देशन का मतलब ही क्या है, पर्यवेक्षण करना, ठीक है,
सुपरविजन करना, तो करेक्ट आंसर क्या हो, करेक्ट आंसर आपका ये हो जाए। पहले आप देखोगे तो सही कि क्या इंसान कर रहा है, कर्मचारी क्या कर रहा है, जब देखोगे तब तो उसको बता पाओगे कि आप कहाँ पे गलती कर रहे हो, ये कैसे इसको और सुधारा जा सकता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्देशन के प्रमुख तत्व कितने हैं बताएं, 2, 3, 4 या 6। तो निर्देशन के प्रमुख तत्व कितने होते हैं, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, थोड़ी देर पहले हम लोग कर चुके हैं, घटक के तत्व एक ही बात है, 4 इसके तत्व होते हैं। करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें आपका सी, सी ऑप्शन ही करेक्ट आंसर होगा आपका। नेक्स्ट, निर्देशन के तत्व इसमें कौन से आएंगे बताएं, पर्यवेक्षण, अब ये नहीं करेंगे है ना, ये कर चुके हैं हम लोग बहुत बार, इसको नहीं करेंगे, रिपीट हो रहा है ये। पर्यवेक्षण का स्तर होता है ये बताएं, पर्यवेक्षण का स्तर होता है उच्च मध्यम निम्न ये सभी, तो पर्यवेक्षण का क्या स्तर होता है जल्दी से बताएं, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, पर्यवेक्षण का स्तर क्या होता है, सभी लोग बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका इसमें। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पर्यवेक्षण प्रबंध का जो स्तर होता है इसमें निम्न स्तर पे होगा, ये करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, ये किसमें होगा आपका निम्न स्तर में होगा, करेक्ट आंसर आपका सी, इसका करेक्ट आंसर अगर डी नहीं आएगा इसमें सी होगा। वेरी गुड, बिल्कुल सही गायत्री, तो करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यवेक्षण है क्या है, पर्यवेक्षण आवश्यक है, अनावश्यक है, समय की बर्बादी है, या इनमें से कोई नहीं, तो पर्यवेक्षण किस पे होगा बताएं जल्दी से, पर्यवेक्षण जो होता है इसमें आवश्यक होता है, अनावश्यक नहीं है, आवश्यक में आ जाएगा, ये तो सिंपल है, आप लोग सब लोग कर लो इसमें है ना, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। पर्यवेक्षण कड़ी है, किसकी कड़ी है बताएं, उच्च तथा मध्य प्रबंध की कर्मचारी तथा मध्यम प्रबंध की कर्मचारी एवं निम्न प्रबंध की कर्मचारी एवं संचालक की, तो पर्यवेक्षण किसके बीच में कड़ी है इसका जल्दी से बताएं, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, तो ये जो कड़ी होता है किसमें होता है, कर्मचारी तथा मध्यम प्रबंध के बीच में होता है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, निम्न स्तर और मध्य स्तर के बीच में एक कड़ी के रूप में, लिंक के रूप में काम करता है पर्यवेक्षण, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, नेता अधीनस्थों से काम लेता है, कैसे काम लेता है, चातुर से, डंडे से, धमका कर, या इनमें से कोई नहीं, तो नेता अधीनस्थों से कैसे काम लेता है बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, तो ध्यान रखिएगा नेता जो अधीनस्थों से काम लेता है ये क्या करता है आपका, चातुर से, विवेक पूर्वक लेता है, चतुराई से लेता है काम, करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, ए ऑप्शन ही इसमें सही आंसर होगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ग्रेप वाइन क्या है बताएं, बस आप 5 मिनट के अंदर क्लास खत्म हो जाएगा। ग्रेप वाइन क्या है, औपचारिक संचार है, संचार में बाधा है, समस्तर संचार है, या अनौपचारिक संचार है, ग्रेप वाइन, अच्छा क्वेश्चन है बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा, आ सकता है एग्जाम में, तो अनौपचारिक जो संचार होता है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जो होता है वही कहलाता है ग्रेप वाइन, करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, यानी आपस में हम लोग जो बात करते हैं वो क्या कहलाएगा आपका, ग्रेप वाइन। ठीक है, व्यवसाय के अंतर्गत प्रभावी संवेदन वाहन में बाधा कौन सा है बताएं, भाषा, दूरी, व्यक्तिगत विभिन्नताएं, या उपरोक्त सभी, प्रभावी संदेश वाहन में कम्युनिकेशन में क्या इसमें कठिनाई जा सकती है, ये सभी हो सकती हैं, करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। बस 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, क्लास खत्म करते हैं। संदेश वाहन के प्रकार कितने हैं, लिखित, मौखिक, औपचारिक, या उपरोक्त सभी, संदेश वाहन के प्रकार कौन कौन से होते हैं बताएं जल्दी से, सही आंसर क्या होगा आपका, तो सभी इसी के प्रकार है, करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अंतिम क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है आपका, निर्देशन के प्रबंध के दर पर आवश्यकता होती है उच्च, निर्देशन प्रबंध किस स्तर पे आवश्यकता होती है, उच्च, मध्यम, निम्न, या सभी, अब पर्यवेक्षण और निर्देशन यहाँ दोनों में अंतर है ना, यहाँ पे अब निर्देशन पूछा गया है, पहले पर्यवेक्षण पूछा गया था, तो बताएं जल्दी से कहाँ पे आवश्यकता होती है, जो निर्देशन के सभी लेवल पे आवश्यकता होती है इसमें, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। मैंने पहले बताया था प्रबंध का प्राथमिक कार्य क्या है, निर्देशन ही है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, डी ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा पे। ठीक है, एक अंतिम क्वेश्चन और कर लेते हैं, क्लास खत्म करते हैं। निर्देशन क्या है, निर्देशन क्या है आपका, सर्वव्यापी है, निष्पादन अभिमुखी है, निरंतर प्रक्रिया है, ये सभी है, तो निर्देशन क्या आता है सभी लोग बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका। ठीक है, तो निर्देशन जो आता है किसके अंतर्गत आता है, निर्देशन आ जाएगा आपका सभी में आ जाएगा, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन ही इसमें सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ क्लास आपको पसंद आई होगी, और ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप लोग इसमें मैसेज कर सकते हैं, जो लोग ग्रुप में अभी तक ऐड नहीं हुए हैं, गर्ल्स और बॉयज दोनों ग्रुप अलग अलग है, पीडीएफ आपको इसी में मिलेगा आप लोगों को है ना, तो गर्ल्स का ग्रुप अलग है, बॉयज का ग्रुप अलग है इसमें, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अगली क्लास रही कल 10:15 बजे, और 9 बजे आप लोग हिंदी की क्लास में जरूर आप लोग ज्वाइन किया करें, हिंदी क्लास भी आपका टॉपिक वाइज चल रहा है आपका। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, धन्यवाद सभी को, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जय हिंद।